नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं। गहलोत के इस बयान को लेकर चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दे दिया। इन दिनों गौर करने वाली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को हर बयान पर पलटवार भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत की भी नजर लोकसभा चुनावों पर है, या फिर सचिन पायलट अक्सर अपने बयानों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हैं, मोदी पर भी बयान देते हैं और इसीलिए गहलोत ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नए जिलों की स्थापना के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ना चाह रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुन लीजिए। आप बार बार मुख्यमंत्री बनो, ढाकू देवी जी आपकी भावना को मैं समझ करता हूं, पर मैं कई बार सोचता हूं मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो क्या बोला था? मन में आता कि मैं छोड़ दे, वो आता वो छोड़े, वो तो रहस्य है। मन में आता छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कड़ी हिम्मत चाहिए आपकी, और हाईकमांड फैसला करे वो मेरे मंजूर है। आप सोचिए कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसी सगा रहेगी, किसी को नहीं मालूम। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 19 नए जिलों की स्थापना की। नए जिलों के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हिंदू धार्मिक रीति रिवाज और साथ ही हवन पूजन के साथ की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की शिला पट्टिका का अनावरण किया और साथ ही स्थापना दिवस पर नए जिलों की वेबसाइट भी रिमोट का बटन दबाकर लॉन्च की। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान आजादी के बाद एक इतिहास बनाने जा रहा है, 2030 का विजन लेकर चलना है, तब तक मुख्यमंत्री कौन होगा किसी को नहीं पता। और साथ ही ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आलाकमान के ऊपर है, आलाकमान ने फैसला कर भी लिया लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। सीएम गहलोत के इस बयान पर आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया।